आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डेप्रिसिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। पिछले हमने टॉपिक पर डिस्कस किया था, जिसको कहा था ऑप्सोलिसेंस। तो ऑप्सोलिसेंस के कारण जो भी किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी आती है या उसकी जो वैल्यू कम हो जाती है उसको डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहा जाता है। इसके साथ साथ किसी भी प्रॉपर्टी के लंबे समय तक उपयोग में आने के कारण टूट फूट और उसका सेवा काल या उपयोगिता काल खत्म हो जाने के कारण उसके मूल्य में जो कमी आती है वह डेप्रिसिएशन कहलाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन को हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। हम कुछ परसेंटेज अलाउ करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। आप जैसे जानते हो, उदाहरण के तौर पर समझें, यदि आप कोई एक वाहन लेते हैं तो पहले साल उसकी कीमत 100% होती है। एक साल के बाद उसकी कुछ कीमत घट जाती है, 2 साल के बाद कुछ और घट जाती है और धीरे धीरे उसकी कीमत घटती जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें जब पता चलता है जब हम उसका बीमा कराते हैं। बीमा कराते समय हम देखते हैं कि हमको जो हमारी प्रॉपर्टी या हमारा व्हीकल है उसकी वैल्यूज जब हमने उसको परचेज की थी तब क्या थी और अब उसकी वैल्यूज क्या बची हुई है। ये जो टर्म है ये डेप्रिसिएशन है। मैंने इसके पहले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि इसका अपोजिट होता है एप्रिसिएशन, वो किसी चीज का बढ़ना। लेकिन हमेशा प्रॉपर्टी का क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई अचल संपत्ति, जिसको आप कह सकते हैं चलायमान संपत्ति जिसको कहते हैं हम, कि कार ली आपने, तो ऐसा नहीं कि आज आपने 8 लाख रुपए की कार ली है तो वो अगले साल 10 लाख रुपए की बिक जाएगी। नहीं, क्योंकि आपने उसको उपयोग किया, चलाया, इस कारण से उसके वैल्यू में कुछ कमी हो गई और ये कहलाता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड हैं। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके बाद दूसरा मेथड है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। तीसरा मेथड है सिंकिंग फंड मेथड, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंकिंग फंड जितना हम लेते हैं उसी के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इसको हम अभी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और फोर्थ होता है क्वांटिटी सर्वे मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में यह माना जाता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू में से एक निश्चित अमाउंट प्रतिवर्ष घटता जाता है, अर्थात वास्तविक मूल्य की एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष घटती है और उसके यूटिलिटी पीरियड या उपयोगिता काल की समाप्ति पर जो राशि शेष बचती है वह उस प्रॉपर्टी के स्क्रैप या साल्वेज वैल्यू के बराबर होती है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि इसमें एक कॉन्स्टेंटली कोई वैल्यू घटती जाती है। तो वैल्यू कितनी घटेगी, तो एनुअल डेप्रिसिएशन घटाने के लिए एक फार्मूला होता है कि उसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे और कितने वर्षों में कम हो रहा है। इसको अगर हम डिनोमिनेटर्स में देखें तो डेप्रिसिएशन इज डी ओरिजिनल कॉस्ट सी माइनस एस अपॉन एन, यानी कि जितनी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। एज फॉर एन एग्जाम्पल, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, स्क्रैप वैल्यू 10% कंसीडर करें तो माइनस करेंगे हम 10,000 रुपीज। उसके बाद कितने साल के लिए है, उसके लिए हम मान लेते हैं कि ये 10 सालों के लिए है। तो ये कितना हो जाएगा, 90,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 9,000, यानी हर साल 9,000 रुपीज उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन मेथड को समझते हैं। अगला मेथड है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। इस मेथड में यह माना जाता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू एक निश्चित परसेंटेज से घटती जाती है। यह राशि प्रारंभ से ही प्रतिवर्ष एक निश्चित परसेंटेज से घटती जाती है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू 1 माइनस इन दी ब्रैकेट एस अपॉन सी टू द पावर ऑफ 1 बाई एन, जहां पर एस है आपकी साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू,
जहां सी है टोटल कॉस्ट और एन है जो नंबर ऑफ ईयर्स। सिंकिंग फंड मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिंकिंग फंड क्या है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं बड़े ब्रीफली कि सिंकिंग फंड एक वह राशि होती है जिसको हम उस प्रॉपर्टी को रीजनरेट करने के लिए धीरे 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 जमा करते जाते हैं कि जैसे ही किसी प्रॉपर्टी का जीवन काल या उपयोगिता काल समाप्त हो तो वो इतनी राशि हमारे पास इकट्ठी हो जाए कि उससे हम उस प्रॉपर्टी को दोबारा बना सकें। तो सिंकिंग फंड मेथड में यह माना जाता है कि डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड और उस पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा, मतलब हम जितना सिंकिंग फंड जमा कर रहे हैं और उस पर जो ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है उसके बराबर ही प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन होता जाएगा। सिंकिंग फंड का फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। हमारा आखिरी मेथड है क्वांटिटी सर्वे मेथड। इस मेथड में संपत्ति की समस्त जानकारी एकत्रित की जाती है एवं उस संपत्ति के मूल्य में कमी की गणना, आयुकाल, टूट फूट, क्षरण एवं ऑब्सोलेसेंस के आधार पर की जाती है। इस विधि में कोई गणितीय सूत्र नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई परिकल्पनाएं नहीं होती हैं। यह विधि पूर्ण रूपेण हमारे विजुअल इंस्पेक्शन और एवं मूल्यांकनकर्ता जो भी वैल्यूअर है उसका जो भी एक्सपीरियंस है उस पर निर्भर करता है। मूल्यांकनकर्ता संपत्ति को देखकर उसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी सर्वे केवल एक्सपीरियंस बेसिस पर है और ये नियर टू एग्जैक्ट वैल्यू हमें देता है कि कितनी वैल्यू बची होगी। जो एक्सपीरियंस वैल्यूअर होते हैं या सर्टिफाइड वैल्यूअर होते हैं वो उस प्रॉपर्टी की स्थिति परिस्थिति दशा को देखकर ये निर्धारित करते हैं कि अब वर्तमान में उसका मूल्य क्या होगा। इसके लिए कोई भी गणितीय सूत्र नहीं। हमने अभी तक बात की थी चारों मेथड के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, सिंकिंग फंड मेथड और क्वांटिटी सर्वे मेथड। अब मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको हम हर मेथड से सॉल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर मेथड से एक से ही आंसर आए, डेप्रिसिएशन की वैल्यू अलग अलग आ सकती है। हमको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा मेथड किस प्रॉपर्टी के लिए बेनिफिशियल है, उसी आधार पर हम जो है अलग अलग मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं कि एक रोड रोलर है जिसकी कॉस्ट है 150,000 रुपीज और आफ्टर द सर्विंग पीरियड उसकी साल्वेज वैल्यू बचेगी 60,000 रुपीज। उसकी लाइफ है 5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। हालांकि ये 1.5 लाख रुपए काफी पुराना प्रॉब्लम है, इसीलिए आप डिजिट्स पर मत जाइए, ये कुछ भी हो सकती है, केवल इसको समझने के लिए जिससे हमारी कैलकुलेशन काफी लेंदी ना हो, इस कारण से इस वैल्यूज को कम रखा गया है। तो रोड रोलर कॉस्ट 1,50,000, सालवेज वैल्यू 60,000। सालवेज वैल्यू क्या है, सभी को पता है कि जब सर्विस पीरियड खत्म हो जाता है तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की क्या वैल्यू सेव रहती है विदाउट डिसमेंटलिंग, दैट इज द सालवेज वैल्यू। उसकी लाइफ हम लेके चल रहे हैं 5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और हमको उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो सारे मेथड से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले जा रहे हैं किस मेथड के लिए, पहले जा रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जैसा हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हम एक निश्चित अमाउंट जिसको हम घटाते जाते हैं हर साल। तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, उसका फॉर्मूला होता है C - S / N, जहां सी क्या है उसकी कॉस्ट, एस उसमें से क्या घटा देते हैं उसकी साल्वेज वैल्यू क्योंकि वो हमारे पास अमाउंट हमको उसको बेचने पर मिल जाएगा, और एन इज द लाइफ पीरियड है नंबर ऑफ इयर्स। तो यहां पर सी की वैल्यू है 1,50,000, एस की वैल्यू है 60,000 और एन की वैल्यू है 5। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट की अभी जरूरत नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दूसरे मेथड में जरूरत पड़ेगी, तब उस पर डिस्कस करेंगे। तो हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन होगा उस प्रॉपर्टी का। तो C - S / N 1,50,000 - 60,000 / 5, तो यहां पर आएगा 18,000 पर ईयर, हर साल 18,000 रुपए उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है, हमारी बुक वैल्यू हर साल की क्या रहेगी,
हम उसको देखते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमको एक टेबल फॉर्म में ईयर वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। इस टेबल में होता है एज, एनुअल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू। तो यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अभी क्या है, एज जीरो ईयर। जीरो ईयर मतलब जिस दिन आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी या परचेस की, जिस दिन आप परचेस करेंगे उस दिन उसमें कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो उसका डेप्रिसिएशन होगा जीरो, एनुअल डेप्रिसिएशन जीरो। और बुक वैल्यू क्या होगी, जितने की आपने वो प्रॉपर्टी परचेस की, यानी कि कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, 1,50,000। तो जीरो 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 और आपकी बुक वैल्यू हो गई जिस दिन आपने उस प्रॉपर्टी को परचेस किया, उस प्रॉपर्टी के एक साल बाद उसका कितना डेप्रिसिएशन होगा, हमने निकाला एनुअल डेप्रिसिएशन 18,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 18,000, पहला ही साल है। तो हमारी बुक वैल्यू क्या बची, जो प्रॉपर्टी हमारी 1,50,000 रुपए की थी अब उसमें से 18,000 रुपए कम हो जाएंगे, तो 1,50,000 में से 18,000 घट जाएंगे, तो ये बचेगा 1,32,000। दूसरे साल में क्या होगा, फिर 18,000 रुपए उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, पहले साल का 18, दूसरे साल का 18, 36,000। अब ये 36,000 किसमें से घटेगा, वो 1,50,000 में से घटेगा, क्योंकि हर साल 18,000 कम हो रहा है। या तो आप ऐसा मान लीजिए कि 1,32,000 में से 18,000 घटा दीजिए, या टोटल डेप्रिसिएशन को बुक वैल्यू से घटाते जाइए, तो ये आएगा कितना, 1,14,000 रुपए। इस तरह से हमारा तीसरा साल आएगा, फिर हमारा डेप्रिसिएशन जो होगा वो हो जाएगा 18,000 रुपए, टोटल डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा 54,000 रुपए। और 1,50,000 में से हम 54,000 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 96,000 रुपए। यही चौथे साल में क्या होगा, जैसे ही चौथा साल आएगा फिर हमारा 18,000 रुपए डेप्रिसिएशन होगा, हमारा टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 54,000 में 18,000 जोड़ देंगे 72,000 रुपए। और उसके बाद 1,50,000 में से 72,000 रुपए घट जाएगा तो ये हो जाएगा 78,000 रुपए। साल हमारा आएगा पांचवा साल, हमारा फिर 18,000 रुपए का हम डेप्रिसिएशन करेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 90,000। और बुक वैल्यू में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60,000 रुपीज। और ये किसके बराबर हो गया है, ये आपके साल वेज वैल्यू के बराबर हो गया है। हर साल आपका डेप्रिसिएशन ही होता रहा, आपकी प्रॉपर्टी जब खरीदी थी 1,50,000, अगले साल 1,32,000 की बचेगी, उसके बाद 1,14,000 की बचेगी, चौथे साल में 78,000 की बचेगी, और आखिरी में जैसे ही उसका सर्विस पीरियड पूरा होगा वो 60,000, जो कि सालवेज वैल्यू के बराबर है। तो ये इस तरह से हमारी बुक वैल्यू मेंटेन्ड होगी, और ये हमारा डेप्रिसिएशन होगा, पहले साल जिस दिन खरीदी जीरो, उसके पहले साल 18, फिर 36, फिर 54, फिर 72, और अंतिम साल में 90,000 का डेप्रिसिएशन होगा। फिर हम देखते हैं कि जो लास्ट हमारी बुक वैल्यू बचती है वो हमारी सालवेज वैल्यू के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड है, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड। हम इसी प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं, हमारा दूसरा मेथड है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। जैसा हमने डिस्कस किया था, इसमें एक कांस्टेंट परसेंटेज, उसके नाम में ही समझ में आता है कि एक निश्चित परसेंटेज से हम हर साल का डेप्रिसिएशन लेते जाते हैं। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1-S/C^(1/N), जहां एस क्या है सालवेज वैल्यू, सी क्या है उसकी कॉस्ट, एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स। उससे हम देखते हैं ये 0.167, हमने उसको 2 digits तक राउंड ऑफ कर लिया है, 0.1 एवरी ईयर आपका डेप्रिशिएट होगा। हमने अभी कैलकुलेट किया और हमको वैल्यू मिली 0.17, जिसका मतलब है 17%, यानी कि हर साल कांस्टेंट परसेंटेज कितना होगा, 17% हर साल उसका डेप्रिशिएशन होता जाएगा, जो भी उसकी बुक वैल्यू बचेगी उसका 17% हम घटाते जाएंगे। टेबल वही बनेगी, एज, एनुअल डेप्रिशिएशन, टोटल डेप्रिशिएशन एंड बुक वैल्यू।
अब यहां पर 17%, तो 0 ईयर्स में जिस दिन आपने प्रॉपर्टी खरीदी कोई डेप्रिशिएशन नहीं होगा, एनुअल डेप्रिशिएशन 0, टोटल डेप्रिशिएशन 0, बुक वैल्यू जो उसकी कॉस्ट है जितने में आपने परचेज की। पहले साल की बात आएगी तब जाकर आपने देखा यहां पर 1,50,000 का 17% अगर हम निकाले तो कितना आता है 25,500। मतलब कि पहले साल जो डेप्रिशिएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25,500। यहां पर टोटल डेप्रिशिएशन 25,500 और अब हम इस 25,500 को 1,50,000 में से घटा देंगे तो ये हमको मिलेगा 1,24,500। दूसरे साल हमारी बुक वैल्यू क्या है 1,24,500, 1,24,500। उसका अगर हम 17% डेप्रिशिएशन निकालेंगे तो कितना आएगा 21,165। तो हमारा एनुअल डेप्रिशिएशन हमने यहां लिख लिया है 21,165। अब टोटल डेप्रिशिएशन कितना हो गया है, पहले साल में हो गया था 25,500, दूसरे साल में हो गया 21,165। इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे हमको मिल जाएगा ये 46,665। इसको हम हमारी बुक वैल्यू में से माइनस करेंगे, जो हमारी कॉस्ट है वो आ जाएगा हमारा 1,03,335 एट द एंड ऑफ ईयर 2। तीसरे साल से हम शुरू कर रहे हैं, हमने दूसरे साल तक देखा कि हमारा डेप्रिशिएशन कितना हो गया 1,03,335 बुक वैल्यू है और डेप्रिशिएशन है 46,665। अब यहां आप देखिए तीसरे साल बुक वैल्यू क्या थी 1,03,335, इसका हमने 17% निकाला, ये आया 17,566.95। हमने इसको यहां लिखा 17,566.95। यहां हम दशमलव के दो अंकों तक पैसे को इसलिए ले रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। अभी हमारा अमाउंट बड़ा छोटा सा है 1.5 लाख, अगर ये 1.5 लाख की जगह 15 करोड़ होता तो बात के जो 2 या 3 अंक है दशमलव के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। इस कारण से हम अपनी सालवेज वैल्यू के नियरेस्ट पहुंच जाए कैलकुलेशन में, इस कारण से हम दशमलव के 2 अंकों को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, आप जितना ज्यादा अंकों को कंसीडर करेंगे आप उतनी एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचेंगे। अब तीसरे साल के बाद चौथे साल की बात करें, तीसरे साल हमारा बुक वैल्यू हो गई 85,768 और 0.5 पैसे। कैसे आया, ये डेप्रिशिएशन था, पुराने टोटल पुराने डेप्रिशिएशन में जोड़ा, टोटल डेप्रिशिएशन मिल गया, इसको 1,50,000 में से घटा दिया। यही प्रोसेस हम अब चौथे साल के लिए करेंगे। चौथे साल के लिए हमारे लिए तीसरे साल की जो बुक वैल्यू होगी 85,768, उसका हम 17% निकालेंगे तो हमको राशि मिलेगी 14,580.57। इसको हम अभी तक हो चुके जितना डेप्रिशिएशन है उसमें जोड़ देंगे तो हमको टोटल डेप्रिशिएशन मिल जाएगा 78,812.52। और इसको हम फिर 1,50,000 में से घटाएंगे तो हमको बुक वैल्यू मिलेगी 71,187.48। तो चौथे साल तक हमारी बुक वैल्यू हो गई है कितनी 71,187.48। अब अंतिम वर्ष जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका आखिरी साल, यहां पर चौथे साल का जो बुक वैल्यू है उसमें हम फिर से 17% निकालेंगे, हमको मिलेगा डेप्रिशिएशन 12,101.87। वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, टोटल डेप्रिशिएशन जितना हो चुका है 78,812.52 में इसको जोड़ेंगे, 90,914.39 आएगा, इसको 1,50,000 में से घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 59,085.61। जबकि यहां पर आना चाहिए था कितना 60,000 साल्वेज वैल्यू के बराबर, लेकिन 59,085 आ रहा है, मतलब 900 रुपए कुछ कम है। कहां कम हो गए, पहला जब आपने कॉन्स्टेंट परसेंटेज निकाला था तो आपने उसको राउंड ऑफ 17% कर लिया था, तो आपको 0.167 है उसके हिसाब से जो मल्टीपल डिजिट्स तक आ रहे हैं वहां पर उन परसेंटेज को लेकर चलेंगे। यहां पर हमने दशमलव के 2 अंकों तक ले लिया, कहीं राउंड ऑफ कर लिया, इस कारण दिक्कत आती है। जब कभी भी हम बड़ी अमाउंट की प्रॉपर्टी के लिए डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं तो दशमलव के 3 अंकों 4 अंकों तक भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बहुत अधिक होगी तो आपको दशमलव के बाद के ज्यादा अंकों को कंसीडर करना होगा, क्योंकि आप रिजल्ट एग्जैक्ट चाहते हैं। तो ये आज हमने दो मेथड देखे, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड।
ये दोनों मेथड का टेबल और फॉर्म एक जैसा था, एक में हमने अमाउंट कंसीडर कर लिया था, एक में परसेंटेज वाइज ले लिया था। इसका तीसरा मेथड है वो है सिंकिंग फंड मेथड, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि वो एक बिल्कुल सेपरेट मेथड है, उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी हवाला देना पड़ता है, तो किस तरह से होता है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और इसको आप जब तक खुद सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी। तो मेरा सभी स्टूडेंट से यही सजेशन है कि वो खुद करके देखें इसको सॉल्व, और आपको जो भी डाउट हो वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर पूछें या इसके कमेंट सेक्शन में जवाब दें। और ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें जो कमी आपको लगी हो वो बताएं। थैंक यू वेरी मच।